अब जैसे देख रहे हैं लड्डू लड्डू बांटना शुरू हो गए हैं। दादाजी को लड्डू खिलाए जाएंगे, लड्डू खुशी खुशी, खुशी के लड्डू, खुशी के लड्डू। दादाजी आप कल नहीं, बहुत अच्छा है। भारत का बेटा पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड लाएगा। हाँ, हमें लगता है कि गोल्ड इसका ही है। तो शुरू हो गए वापस चला गया, अभी दिखाया पांचवें नंबर पर ही फिनिश। देख सकते चेहरों से जो चिल्लाया जा रहा है सर, कुछ डिस्क्वालीफाइड हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बस भारत जीत रहा है, मेरा भारत जीत रहा है एथलेटिक्स में पहली बार। और इतने दिनों से जो आप लोगों ने तैयारी की थी, आप लोगों ने कहीं ना कहीं उनके साथ मेहनत किया था, ये फीलिंग कैसी है? बस बता ही नहीं सकते जितना सब कुछ, सारे परिवार ने बिल्कुल अपना सब कुछ नीरज के ऊपर लगा दिया था, और पूरा सपोर्ट, पूरा फाइनेंशियल और मोटिवेशनल जितना भी सपोर्ट हम कर सकते थे हमने पूरा जोर दिया, और बेटे ने आज उसको साबित करके दिखा दिया भाई आप पीछे खड़े रहिए दीवार की तरह और आगे मैं बढ़ता रहूंगा। सर डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा नाम और खांड्रा विलेज का नाम, मैं बहुत खुश हूँ। भारत का बेटा नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में गोल्ड लेके आ रहा है, आप इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा खांड्रा गांव, पानीपत का पूरा खांड्रा गांव आप देख सकते हैं, आज बस वेट कर रहे हैं, कुछ ही मिनट का इंतजार कर रहे हैं, लड्डू बांटने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, बस कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि भावुक भी हो गए थे नीरज के अंकिल, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत मेहनत करके उन्होंने आज नीरज को इस नतीजे पे पहुंचाया। देखिए उनके घर पर इसलिए जश्न मनाया गया है क्योंकि वेबर की लास्ट थ्रो थी और वो नहीं फेंक पाए, नहीं फेंक पाएंगे, 80 पर भी नहीं पहुंचे। वेबर जो है वो दूसरा या तीसरे नंबर पर ही रहेंगे। अब बस कुछ सेकंड, कुछ सेकंड, दरअसल वेबर अब चौथी पर चले गए, बता रहे हैं कि चौथे वेबर के हाथ से मेडल ही निकल गया है जी, मेडल भी चला गया, अब मेडल नहीं मिलेगा, वो चौथे हो गए। चोपड़ा की दावेदारी और पुख्ता होते हुए हर थ्रो के बाद अब जो चेक रिपब्लिक के जो बढ़त बनाई है पहले से वो अभी और मजबूत होती जा रही है, और अब आप ये मान लीजिए कि गोल्ड, पहला गोल्ड तो पता नहीं, ये ऐसा लगता है जैसे सुपर ओवर में चला गया है, क्योंकि दूसरे और तीसरे पायदान पर जो दो चेक रिपब्लिक के थ्रोअर्स इनको चैलेंज कर रहे हैं, नीरज का है 87.58, 87.67 और 85.44 वाले दोनों चेक रिपब्लिक के अब वो थ्रो करेंगे। तकरीबन एक मीटर पीछे है वो नीरज से, नहीं उनको पहले पता चला था, नहीं जी नहीं। तो ये कंफर्म है कि भारत को मेडल मिल रहा है, और शायद मेडल ये भी पता चल गया कि भारत को गोल्ड मेडल ही मिल रहा है, कोई मेडल नहीं मिला है। और नीरज चोपड़ा मेडल तो पुख्ता हो गया है, उसका रंग क्या होगा बस कुछ ही मिनटों में नहीं, रंग भी तय हो गया जी, तो में क्या हो गया अब तो रंग, अगर अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं, सबसे आगे चल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब गोल्ड भारत का ही है। जी हां, कोई भी 80 को पार नहीं कर पा रहा है। नीरज का एक बार फिर से ये भी डिस्क्वालीफाई, जो खिलाड़ी नीरज आएंगे लास्ट थ्रो, चेक वाले डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, चेक वाले मतलब उनकी ये थ्रो डिस्क्वालीफाई हुई है। अच्छा, तो ये दोनों सेकंड और थर्ड हैं, ठीक है, उनकी मतलब वो अपने आप को बेहतर नहीं अब कर पाएंगे, वो जो होना था वो हो चुका है। अब नीरज अगर थ्रो ना भी फेंके तो भी जीत जाएंगे, तो भी गोल्ड मेडल उन्हीं का होना चाहिए, वो सेकंड वाला जो फेंक दिया उन्होंने। जाकब जो थे, जाकब उनका सिल्वर आएगा, उनका था 86.67। नीरज चोपड़ा वाह, 130 या 140 करोड़ भारतीय भारतीयों के लिए गर्व, के लिए गर्व। अच्छा, और इस बार हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छा खेले दिल जीता,
दिल के साथ साथ आपने गोल्ड मेडल जीता, ये हर कोई सुनना चाहता है। इससे बेहतर फेंक दिया सर, देखा 84 के करीब है, लेकिन गोल्ड मेडल भारत का हो गया जी। आ गया पहला गोल्ड, आ गया आपका गोल्ड मेडल आ गया है आज तो, कमाल हो गया आज तो। इंडिया गोल्ड मांग रहा था और आज का दिन तारीखी ये इतिहास में भारत का जाएगा, क्योंकि पहली बार आपको ट्रैक एंड फील्ड में मेडल ही नहीं गोल्ड मेडल मिल गया है। 87.58 मीटर सही भाई, बहुत बढ़िया। अब आप मिठाई मंगवाइए जल्दी से। बिल्कुल आपको मिठाई खिलाते हैं, कोई भी आसपास नहीं पहुंचा है। और नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है जेवलिन थ्रो में, भारत को गोल्ड, न सिर्फ जेवलिन में ये गोल्ड है बल्कि ट्रैक एंड फील्ड के किसी भी इवेंट में। देखिए नीरज की जो खुशी है, काश हम दिखा पाते ये, लेकिन हम आपको बाद आगे जरूर दिखाएंगे। और ये तिरंगे की शान, आज ये टोक्यो में जो तिरंगा लहरा रहा है वो तिरंगा गोल्ड का तिरंगा है। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में, भारत को गोल्ड मिला है। इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। सोना हमारा, 4, 2, 6 और 1, 7 कुल 7 मेडल। विक्रांत अमेजिंग, मतलब इतिहास इतिहास इतिहास, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाडू भाई